बजाज फाइनेंस का इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे कैंसिल करा सकते हैं, आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है जब भी किसी टाइप का आप लोन लेते हैं बजाज फाइनेंस से या फिर कोई ईएमआई करवाते हैं तो वहां पे आप लोगों को ऐड कर दिया जाता है एक इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप इसे कैंसिल कराना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आइए आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूं। बजाज फाइनेंस में अगर आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हैं दोस्तों तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जब भी आपको आपका इंश्योरेंस मिलता है, जिस डेट को आपको इंश्योरेंस पॉलिसी इशू होता है दोस्तों, उस डेट से आप लोग 15 से 30 दिनों के भीतर आप लोगों को ये करना होगा, तभी आपका जो पैसा है वो रिफंड हो पाएगा और आप लोगों का जो पॉलिसी है वो कैंसिल हो पाएगा। इसको बोला जाता है दोस्तों फ्री लॉक पीरियड, ठीक है, और ये जनरली 15 से 30 दिनों का होता है। इसी के बीच में आप लोगों को ये प्रोसेस को फॉलो करना होगा और अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल करना होगा। अगर ज्यादा दिन हो जाता है दोस्तों, एक महीना से ज्यादा हो जाता है, तो ये पॉलिसी कैंसिल नहीं होगा और आपको अपना पैसा भी रिफंड नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को बजाज फाइनेंस का जो ऐप है उसे ओपन कर लेना है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, लॉगिन कर लीजिएगा तो आप इस वाले पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नीचे माई रिलेशन का एक ऑप्शन दिया जाता है। माई रिलेशन में आप लोगों को आपका ईएमआई कितना चल रहा है, कितना का आपका लोन है, कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी है, सब दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माई रिलेशन में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि कौन सा आपको पॉलिसी है और किसे आपको कैंसिल करना, सारा डिटेल ली जाएगा। देख सकते हैं मेरा एक इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहा है दोस्तों 2787 का, इसी को मुझे कैंसिल करना है, ठीक है। इसको कैंसिल करना है दोस्तों तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को व्यू का ऑप्शन दिया जाता है। आप लोगों को इसी को व्यू पे क्लिक कर देना है और अपना जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको डिटेल्स चेक करने का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इंश्योरेंस आपका कौन सा चल रहा है। सिंपली आपको यहाँ पे जो एक राइट एरो दिया गया इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पूरा डिटेल है दोस्तों वो आपके सामने आ जाएगा कि कितना इंश्योरेंस का है पॉलिसी है, कितना आपको ईएमआई देना होगा इसके लिए, इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या होगा, इसका एंड डेट क्या होगा, रिन्यूअल डेट क्या है, सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सरेंडर का भी दिया जाता है ऑप्शन, सरेंडर या फिर कैंसिल पॉलिसी। कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं होगा दोस्तों तो डायरेक्ट आपको मैं बता दूंगा क्या करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ है तो कैंसिल पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि सीपीपी वाला यहाँ पे है मेरा, तो यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पे सरेंडर कैंसिल पॉलिसी लिखा गया है, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को बताया जा रहा है कि आपको एक रिक्वेस्ट रेज करना होगा। तो आपको अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। माई अकाउंट पे जाएंगे, वहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट रेज कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को रिक्वेस्ट रेज करना है, अगर ये प्रोसेस आपको मिल जाता है तो आपको यही फॉलो करना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इंश्योरेंस का ऑप्शन आ जाएगा, जो इंश्योरेंस आपका चल रहा है उसी को आपको क्लिक कर लेना है। उसके नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक कर देना है, यानी कि हम रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं कैंसिलेशन के रिगार्डिंग। क्वेरी टाइप में आप लोगों को यहाँ पे और सब क्वेरी टाइप में सेलेक्ट करना होगा। क्वेरी टाइप में आप लोगों को इंश्योरेंस कैंसिलेशन सेलेक्ट कर लेना है और सब क्वेरी टाइप में आप लोगों को एक रीजन दे देना है, बेसिकली क्यों आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रेज रिक्वेस्ट का, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपना जो भी इंश्योरेंस कैंसिलेशन का है डिस्क्रिप्शन वो थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि क्यों आप कैंसिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बेसिकली। अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो दे दीजिएगा जो इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग है, अदरवाइज उसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट पासवर्ड में कुछ नहीं करना है और नीचे आना, नीचे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। अल्टरनेट ईमेल आईडी दे दीजिएगा और नीचे आने के बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली रेज्ड हो चुका है और आपको एक यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट का जो नंबर होता है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपका जो कंसर्न है उसे सॉल्व किया जाएगा और आपका पॉलिसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आप इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल करने के लिए प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं।